अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं हुसामी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की तफसीलात। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की खबरें हुसामी न्यूज़ लाता रहेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज सुबह 11 बजे मलकपेट MLA जनाब अहमद बलाड़ा साहब ने महबूब मेंशन गंज के ट्रेडर्स और रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन GHMC और ACP सुल्तान बाजार और दीगर के साथ एक मीटिंग शिमला गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि 26 दिनों के लॉकडाउन के बाद जनाब अहमद बराड़ा साहब की कोशिश से महबूब मेंशन गंज की मार्केट को दोबारा खोला गया है। हुकूमत के कवानीन पर अमल करते हुए 30% दुकानों को एक दिन खुला रखा जाएगा और रुकने असेंबली ने जिस्मानियों को बरकरार रखने और किसी शख्स को भी बगैर मास्क के इस्तेमाल किए मार्केट में आने की इजाज़त न देने की रिक्वेस्ट की है। इस मौके पर एसोसिएशन के लोग और SMT राधा के चेयरपर्सन ने MLA मलकपेट का शुक्रिया अदा किया। मैं मोहम्मद हारून, हुसामी न्यूज। आप सबको सलाम, नमस्कार, ईद मुबारक। और हमारे टाइम्स पे बैठे हुए तमाम रेस्पेक्टेड हमारे चेयरपर्सन मैडम, DMC एंड ऑल रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लाइफ, पिछले 26 डेज से आपका मेहबेन मार्केट बंद है। 30 के रोज शाम में बंद करें तो टुडे इज द 26th डे जो आपका गंज का मार्केट बंद है। लेकिन पूरा हैदराबाद, पूरा हिंदुस्तान, पूरा तेलंगाना करीब 2 महीने बंद रहा और आपका मार्केट सिर्फ 6 दिन बंद रहा। परेशानी सबकी है। आपको इसके अंदर आपको ये परेशानी है, बाहर पूरा बाजार बंद है। आज हालात ऐसे हैं कि हालात आने वाले दिनों के अंदर और कितने खराब होंगे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी हुकूमत बोल स्टेप्स लेकर मार्केट खुलवा रही है। ऑर्डर रेट 150% मार्केट, बाहर का मार्केट 50% खुल रहा है। आज आप लोगों की तकलीफ को देखते हुए तकरीबन यहाँ के मेंबर्स मुझसे भी आकर मिले। मैंने MP साहब से भी कहा, MP साहब ने CS को रिटर्न के अंदर दिया कि दूसरे बाजारों का, दूसरे दुकानों का हाल अलग है, यहाँ पर जितना भी माल है अंदर खराब होने का इम्कान है, लिहाजा इनका सल्यूशन किया जाए। और मैं जनाब कपिल गिरिया साहब के पास जो आग गली का वाकया हुआ, जो उनका गोडाउन जला, मैं उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको जल्दी रिकवर करेंगे। रहा सवाल चाहे GHMC डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, कोई ये नहीं चाह रहा कि आप लोगों को तकलीफ दे या आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। हालात वैसे हैं, हालात को देखते हुए आपको करने की जरूरत है। अब GHMC और जिस तरीके से आपको डायरेक्शन देंगे सम्राट और उनकी टीम, उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिए कि 26 दिन का मुकाबिल बंद जो था वो आज नहीं रह रहा, ये 30% भी नहीं रहेगा, बाद में आएगी तक इसका पूरा खुल जाएगा। लेकिन वो एक ही शर्त पर हो सकता है, अगर आपको वो जल्दी खुलवाना है बायस भी, तो आप स्ट्रिक्ट इस तरीके से जो नॉर्म्स है, जैसे हमारे देवेंद्र साहब ने कहा और अशोक सम्राट भी आपको बताएंगे, उसको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए, आप कहीं यहाँ नहीं समझना होगा कि कितने के इसके आपको कितने वहाँ पर कारोबार है, क्या यहाँ पर कोई एक भी चाहेगा कि आपकी दुकान के ऊपर आकर कोई अफेक्टेड हो? कोई नहीं चाहेगा। ये मंच पे तरीका ये कोई पहचान ही नहीं सकता है किसको है किसको नहीं।
इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए जो भी तकलीफ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और आपका काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जिस तरीके से केएचएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट बताएगा उसके ऊपर अमल करते हुए डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग सब चीज मेंटेन करते हुए आप कहीं आज 30% खुलेंगे, फिर उसके बाद उनकी होगा फिर इंक्रीज करते रहेंगे पूरा मार्केट खुल जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप उसको इनिशिएट करिए और किसी भी मीडिएटर के नाम के ऊपर पैरोकार के नाम के ऊपर अगर ढंग से कोई भी पैसे मांग रहा है और कोई भी 1 रुपया देगा तो उसके नाम मैं पुलिस डिपार्टमेंट सब मेरे सहायक है। आप पहले ही तकलीफ में है, कोई आपकी तकलीफ का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। जो चीज खुलेगी है वो खुलेगी 2 दिन आगे 2 दिन पीछे। आज सबके मिलकर ये फैसला किया है कि 30% आपके किस देर से खुलेगी, कब से खुलेगी, कपड़े आप मार्किंग करा दिए, अभी हम मार्किंग करा देंगे, एक दो एसोसिएशन के 2-3 जिम्मेदार लोग साथ रहिए, रहकर मार्किंग करवा लेंगे, इस तरीके के ऊपर आप अमल करिए, फिर बाद में थोड़े एक हफ्ते के बाद फिर मैं हमारे सम्राट वगैरह सबके साथ मीटिंग करता हूँ, फिर इसको कैसा करने का है आप तमाम को इतला दी जाएगी। आपसे हम आपके साथ पूरा कॉपरेट करेंगे, आपको जो भी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे, आपसे भी इन दवाओं पर उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाम की बेहतरी के लिए आपकी आपकी फैमिली की बेहतरी के लिए आप पूरा कॉपरेट करते हुए काम करेंगे। थैंक यू।